बनाता है तो उसके दिमाग में ये बात होती है कि वो एक्चुअली क्या करना चाहता है और किस तरह से वो करेगा और किस तरह से करेगा, क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा और किस तरह के डिजाइन वो बनाएगा, इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी अल्टीमेटली जो रिसर्च है वो किस टाइप की होगी। तो रिसर्च जो है, रिसर्च डिजाइन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पूरे हमारे रिसर्च प्रपोजल का, जिसके ऊपर जैसे मैंने बोला कि ये फाउंडेशन है जिस पे आपकी रिसर्च डिपेंड करती है। अब रिसर्च डिजाइन के लिए हमें कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं और क्या उसमें आना चाहिए और क्यों ये जरूरी है, इसको देखना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक ये ब्लूप्रिंट है, एक प्लान बनाते हैं आप, जो प्लान आपको गाइड करता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे, और एक कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए आप कोई कोरिलेशन की स्टडी करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा टीचर इफेक्टिवनेस किन किन बातों से डिटरमिन होता है, या आप पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट किस तरह से होती है, उसको वो रिसर्च करने के लिए आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे, इसके लिए हम अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होती हैं और उसकी डिजाइन होती है जो उसकी मेन बॉडी होती है, किसी भी रिसर्च की मेन बॉडी होती है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जो आपको बताता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है और क्या क्या किस माध्यम के थ्रू करना है। जैसे आपके सैम्पलिंग क्या होगी, आपके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगे, जो आप डेटा अटेंड रिसीव करते हैं वो डेटा किस तरह से आपको, आप उसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे। तो पहली चीज तो किसी भी रिसर्च में जब हम बनाते हैं प्रपोजल, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस होता है। इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपकी रिसर्च डिजाइन निर्भर करेगी। मान लीजिए मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। कोरोना वायरस की मेडिसिंस जो हैं, वो बहुत सारी मेडिसिंस आ रही हैं और अभी ये कहा गया जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो रहे हैं। तो क्या आपने ऑब्जेक्टिव आपने बनाया कि आपने हाइपोथेसाइज किया कि प्लाज्मा थेरेपी इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस, और जब हम ये हाइपोथेसाइज कर लेते हैं कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से हम कोरोना को ठीक कर सकते हैं, तो वैसे ही आप अपने रिसर्च का आपका टाइप होगा। अब अगर मैं कहूं कि कोरोना वायरस का अगर आप ये थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं है, तो आप दो तरह के रिसर्चेस इसमें कर सकते हैं। एक है कि जो लोग ऑलरेडी इस थेरेपी से, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर के आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जैसा कि अभी किया जा रहा है, हम दूसरे मरीजों को भी प्लाज्मा का ट्रीटमेंट देते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि ड्यू टू प्लाज्मा थेरेपी ये लोग, पेशेंट जो है वो ठीक हो गए हैं। तो ये एक क्राइटेरियन रिसर्च स्टडी का एक क्राइटेरियन ग्रुप मेथड है जिसको हमने फॉलो किया। लेकिन जब पहली बार ये किया गया होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक क्राइटेरिया हो गया है कि
प्लाज्मा थेरेपी कोरोना को ठीक कर सकती है। लेकिन ये पता कैसे चला कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का मरीज ठीक हो रहा है? इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की गई, जो रिसर्च डिजाइन की थी पहले जिन्होंने किया होगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन उन्होंने फॉलो करी, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा उन्होंने देखा, वो नतीजा सक्सेसफुल रहा और उसके बेसिस पे उन्होंने ये जनरलाइज किया कि कोरोना थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं। तो पहली एक कैटेगरी के रिसर्च की गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और अब जो रिसर्चेस की जा रही हैं वो हैं क्राइटेरियन ग्रुप रिसर्च, क्योंकि हमारे पास वो क्राइटेरियन ग्रुप अब अवेलेबल है। जो लोग ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और उन प्लाज्मा को लेकर के दूसरे लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो जो टाइप ऑफ रिसर्च हम या रिसर्च डिजाइन हम बनाते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस के बेस पे होती है। और इसी किस तरह के हम रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं या कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं तो हम किस तरह का डेटा हमें चाहिए होगा, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरह का डेटा चाहिए होगा, ये टाइप ऑफ डेटा भी हमें रिसर्च डिजाइन से पता चल जाता है। इसके अलावा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, क्या हम सर्वे मेथड लेंगे या फिर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे या फिर हम पर्सन से इंटरव्यू करेंगे या हम कोई एक क्वेश्चनेयर भेज करके उनसे बातें करने की या डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारा डिसाइड करता है, हमारी रिसर्च डिजाइन किस तरह की है उसके बेसिस पे हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस भी डिसाइड होता है। फिर डेटा कलेक्ट हो गया तो प्रोसीजर ऑफ डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग जो हम करते हैं, ये सारी चीजें डिटरमिन होती हैं हमारी इस रिसर्च डिजाइन से। तो आपको पता चल गया होगा कि आप अब देखिए कि ये ब्लूप्रिंट है। अगर हमने ये ब्लूप्रिंट सही बनाया, अगर हमने अपना ये जो रिसर्च का नक्शा है, जो रिसर्च का खाका है, उसको हम ठीक से बना पाए तो हमारे सारे स्टेप्स, जो ये 6 स्टेप्स मैंने दिखाए हैं, ये सारे स्टेप्स एक सीक्वेंस में होंगे, बहुत इजी हो जाएंगे और आप एकदम गोल डायरेक्टेड वे में प्रोसीड करके अपने रिसर्च स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी रिसर्च डिजाइन प्रॉपरली नहीं बनाई तो आपके बाद के स्टेप्स भी वेग होंगे और आप उसको अपनी रिसर्च को ठीक से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये रिसर्च डिजाइन एक रोड मैप हमको प्रोवाइड करती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, और हमारे रिपोर्ट राइटिंग में ये हेल्प करती है। तो पहली चीज तो आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि ये रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है जो एक रोड मैप आपको प्रोवाइड कर रहा है आपकी रिसर्च के लिए। जनरली होता यह है कि बहुत बार हमने देखा है कि आप स्टडी करते हैं कोरिलेशनल स्टडी, आपने दो वेरिएबल लिया और दोनों वेरिएबल में कोरिलेशन निकाल करके रख दिया, रिजल्ट निकाल के रख दिए। लेकिन आप जब टॉपिक बनाते हैं तो टॉपिक में लिखते हैं अ स्टडी ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कूल इफेक्टिवनेस, इफेक्ट ऑफ
जहां पे आप इफेक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे आपने अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च के लिए आपने एक कमिट कर दिया है अपने आप को, क्योंकि आप फिर कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देख रहे हैं। जहां भी हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट और कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखने के लिए ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं, या हम जैसे मैंने बोला कॉजल कंपैरेटिव क्राइटेरियन ग्रुप स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि कोरोना के केस में जो स्टडीज अभी हो रही हैं, बहुत सारी क्राइटेरियन ग्रुप स्टडीज भी हो रही हैं और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी हो रही हैं। यहाँ पे मैं एक मिनट रुक करके एक ये बोलना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है रिसर्च डिजाइन, ये थीम अपने आप में बहुत बड़ा है और एक घंटे का लेक्चर इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर एक रिसर्च डिजाइन को अगर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने लगूं तो मुझे हर एक पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन के लिए ही एक डेढ़ घंटे का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैं चूंकि एक घंटे का टाइम है और सभी लोगों का बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैं देख रही हूँ सोशियोलॉजी के भी लोग हैं, कॉमर्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, तो आपको परेशानी ना हो समझने में, इसलिए मैं केवल आपको वो बताऊंगी कि किस किस तरह के रिसर्चेस और रिसर्च डिजाइंस हैं जिनको आप अपने थीसिस में यूज कर सकते हैं, या आप बाद में चाहें तो फिर आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द आवर नेक्स्ट थिंग कि हम क्यों रिसर्च डिजाइन बनाना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अगर हमारे पास रिसर्च डिजाइन नहीं होगी, अगर हमारे पास घर का नक्शा नहीं होगा, तो घर में कोई भी कमरा कहीं पे भी बन जाएगा और पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं बनेगा। तो इनएक्यूरेसीज जो होती हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए रिसर्च डिजाइन बनाना बहुत जरूरी है। जब हम इनएक्यूरेसी को रिड्यूस करते हैं तो ये हमारी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को, आपके रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी वैलिडिटी को बढ़ा देती है। एरर जो होने हैं, जो चाहे चांस के एरर हो या फिर आपके रिसर्चर के एरर हो, जैसे रिसर्चर के कौन से एरर्स हो सकते हैं, रिसर्चर के एरर हो सकते हैं, आप सभी लोग लिखते हैं कि आपने रैंडम सैंपलिंग ली की है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप रैंडम सैंपलिंग नहीं करते हैं, आपकी सैंपलिंग केवल इंसिडेंटल होती है। एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे आप स्कूल में गए, आपका सैंपल है स्कूल टीचर्स, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, अगर आप स्कूल में गए, आप लिखते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपल का मतलब है कि आप स्कूल में अगर 50 टीचर हैं, आपने 20 टीचर्स को उनमें से सेलेक्ट करना है, तो आप एक 50 टीचर्स की लिस्ट बनाएं और कोई एक नंबर लेकर के, मान लीजिए आप थर्ड नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो थर्ड नंबर सेलेक्ट करके आप 20 टीचर, एवरी थर्ड टीचर शुड बी सेलेक्टेड, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप स्कूल में गए, आपको 10 टीचर मिले, आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप दूसरे स्कूल में गए, फिर वहां 10 टीचर मिले, दो स्कूल से आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका जो है यहाँ पे आपने एरर किया, आपका सैंपलिंग एरर हो गया, और सैंपलिंग एरर जब हुआ तो फिर आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे। तो उस सैंपलिंग एरर को कम करने के लिए, उसको हमारे पास सैंपलिंग एरर ही नहीं, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है, और
हमारे पास मींस बहुत लिमिटेड है, तो एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये रिसर्च डिजाइन हमें एक रोड मैप बनाती है। अब मैं आगे चलूं, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझना जरूरी है। जैसे किसी भी रिसर्च, क्योंकि ये टर्म्स मैं यूज करती रहूंगी, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी भी रिसर्च में हम वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे आप कोई मार्केटिंग का रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कॉमर्स का स्टूडेंट है कोई और मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में पॉपुलैरिटी वो देख रहा है, तो उसमें पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पर इफेक्ट देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूं इस बात पे कि जिसका इफेक्ट देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट माने जो डिपेंडेंट है। तो एक इनपुट वेरिएबल होता है, एक आउटपुट वेरिएबल होता है। रिसर्च में हम हमेशा इनपुट वेरिएबल का इफेक्ट आउटपुट वेरिएबल पर देखते हैं, या हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। दो ही चीजें हम देखते हैं, या तो हम रिलेशनशिप देखते हैं या तो फिर इफेक्ट देखते हैं। तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये आपको रिसर्च डिजाइन बनाते समय डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी सारी डिजाइन फिर उसी पे डिपेंडेंट रहेगी, सारी रिसर्च उसी पे डिपेंडेंट रहेगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो कॉज है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट है। दूसरी चीज, चूंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये यूज होती है, एक्सट्रेनुअस वेरिएबल। ये एक्सट्रेनुअस वेरिएबल क्या होते हैं? अभी जब हमने स्टार्ट किया तो आप लोगों में से किसी ने बोला कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारे शोर आ रहा है, जो इंटरवीन कर रहा है कहां पे, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, इजंट इट? ये ठीक है ना कि अगर कोई शोर हो रहा है बाहर तो आप अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे, या आपके रूम में जहां आप बैठे हैं वहां पे टीवी भी चल रहा है, तो आपका ध्यान उस टीवी के ऊपर, उस टीवी की न्यूज के ऊपर या टीवी के आइटम के ऊपर जाएगा, आपका ध्यान यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस पे नहीं होगा। तो ये जो, जबकि ये वेरिएबल आपके स्टडी में इंक्लूडेड नहीं है, कंप्यूटर का शोर मेरे प्रेजेंटेशन में एक मैंने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन उस शोर की वजह से आपकी लर्निंग में बाधा पड़ रही थी, इसीलिए हमने उसको दूर करने की कोशिश की। तो ये एक्सट्रेनुअस वेरिएबल है। अगर आप स्टडी करते हैं तो कुछ एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स होते हैं जो स्टडी में शामिल तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनके इफेक्ट को कम ना किया जाए तो ये स्टडी में अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। अब हम एजुकेशन का केस लेते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल के बच्चों के ऊपर, क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं, क्लास फाइव के बच्चे, और आप 6 महीने तक उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, तो मैच्योरेशन का प्रोसेस, या फिर बच्चे ने टीवी से या अपने घर से या उसका नॉलेज बढ़ गया, किसी एक बच्चे का नॉलेज किसी भी माध्यम से बढ़ गया है, तो उस बच्चे का असर पूरे ग्रुप के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, पूरे ग्रुप के अचीवमेंट पे पड़ेगा।
तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करते हैं या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जब हम बनाते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम इन एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स को एकदम मिनिमाइज कर दें या इनके इफेक्ट को खत्म कर दें। अब एजुकेशन में इनके किसी भी वेरिएबल के इफेक्ट को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको मिनिमाइज किया जाता है। और मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि हम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ग्रुप में। मान लीजिए एक बच्चा उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है और दूसरे की कम है, और हमने ग्रुप ऐसा बनाया जो मिक्स ग्रुप है, तो सभी हम ये मान के चलते हैं कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, कोई बच्चा एवरेज होगा और कोई बच्चा बिलो एवरेज होगा। तो ये ग्रुप आपस में एक दूसरे की को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से जो एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो वेरिएबल हमारा आता है वो एक्सपेरिमेंट में आता है, ये है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है जब हम एक्सपीरियंस को जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इन एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स को हमें मिनिमाइज करना है। इसके लिए हमने, जैसा कि हमने बोला कि हम ग्रुप को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ग्रुप में सभी मानसिक स्तर के बच्चे रहें। अगर हम कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम समझते हैं कि ग्रुप इफेक्टेड हो सकता है, तो हम कंट्रोल को यूज करते हैं, और कंट्रोल के माध्यम से हम ग्रुप को दिस एक्सट्रेनुअस वेरिएबल के इफेक्ट को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। तो किसी भी रिसर्च स्टडी में, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, और दोनों ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों में रैंडमली अगर हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्सट्रेनुअस वेरिएबल के जो इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, आपस में वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर होती है दो तरह की आप हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे आप रिसर्च हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस ये होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। जब हम किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस या जीरो हाइपोथेसिस बनाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए हम मैथमेटिक्स टीचिंग का, अगर हम पीयर ग्रुप टीचिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैंने मेरी रिसर्च स्टडी ये है कि पीयर ग्रुप टीचिंग इज इफेक्टिव फॉर मैथमेटिकल इंक्रीजिंग मैथमेटिकल एबिलिटीज। पीयर ग्रुप माने अपने ग्रुप में दोस्तों के बीच में जो टीचिंग होती है, तो उसमें जब मैं रिसर्च करने जा रही हूँ, जब मैं हाइपोथेसिस को अपनी टेस्ट करूंगी, तो अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये पीयर ग्रुप टीचिंग इज इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल टीचिंग, तो मैं ये पहले से ही, मैंने रिजल्ट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया। कैसे? कि मैंने ये बोला कि पीयर ग्रुप इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन एज अ लर्नर, एज अ रिसर्चर मुझे न्यूट्रल रहना है। मैं एक दूसरे रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि पीयर ग्रुप ट्यूटरिंग, पीयर ग्रुप टीचिंग इज इफेक्टिव,
मैं रिव्यू के बेसिस पे मैंने ये निकाला है, लेकिन जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मैं न्यूट्रल होके करूंगी। मेरे एक्सपेरिमेंट में पीयर ग्रुप इफेक्टिव भी हो सकती है और इनइफेक्टिव भी हो सकती है। इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस जो मैं बनाऊंगी वो ये मैं बनाऊंगी कि देयर इज नो डिफरेंस इन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टॉट थ्रू पीयर ग्रुप और ट्रेडिशनल मैथड। मैं नो डिफरेंस हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगी। मैं ये मान के चलूंगी टेस्ट करते समय कि दोनों ही मेथड से पढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरा जो मैं जीरो हाइपोथेसिस बना के चली, जीरो हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स, और मेरे रिजल्ट से ये प्रूव हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया कि पीयर ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों मेथड से बच्चे वैसे ही सीख रहे हैं। तो मेरे जो हाइपोथेसिस, जो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और मेरा रिजल्ट जो होगा जब मैं एनालिसिस करूंगी तब मैं ये कहूंगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, मैथमेटिकल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये पाती हूँ कि पीयर ट्यूटरिंग अच्छी है तो मेरे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या हाइपोथेसिस में जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगी तो उसको मैं ये कहूंगी कि पीयर ट्यूटरिंग इज बेटर एंड मोर इफेक्टिव देन द ट्रेडिशनल मेथड। तो मुझे लगता है आपको इन दो रिसर्च हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस हम हमेशा जीरो हाइपोथेसिस मान के चलते हैं, हम कोई भी साइड नहीं लेते हैं, न्यूट्रल होकर के चलते हैं और अपनी रिसर्च के द्वारा उसको प्रूव करते हैं। मैंने ये बोला कि जब हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, तो उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल ही लूं कि पीयर ट्यूटरिंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल टीचिंग, तो मैं दो ग्रुप्स बनाऊंगी। एक ग्रुप में मैं पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू पढ़ाऊंगी और दूसरे ग्रुप में मैं ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू पढ़ाऊंगी। तो जो जिसमें मैं नए मेथड को, जिसका मैं इफेक्ट देखना चाहती हूँ, उस मेथड से मैं पढ़ाऊंगी वो मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। और जिस जिसको मैं ट्रेडिशनल मेथड से, जिस ग्रुप को मैंने कंपैरिजन के लिए लिया है वो ग्रुप मेरा कंट्रोल्ड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल मैं फिर कोरोना का देती हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को ज्यादा इजीली आप रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से पेशेंट्स कोरोना के ठीक हो जाएंगे, ये हाइपोथेसाइज करके हम चले हैं। तो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस जो हम करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, देयर इज नो डिफरेंस है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम उन पेशेंट्स को रखेंगे जिनको हम प्लाज्मा थेरेपी देंगे और कंट्रोल ग्रुप में हम उन पेशेंट्स को रखेंगे जिनको रेगुलर मेडिसिन्स दी जा रही है बिना प्लाज्मा थेरेपी के। मेडिसिन्स दोनों ही ग्रुप को दी जा रही है
लेकिन एक ग्रुप को मेडिसिन्स के अलावा प्लाज्मा भी दिया जा रहा है और दूसरे ग्रुप को वो प्लाज्मा नहीं दिया जा रहा है, तभी हमें इफेक्ट दिखाई पड़ेगा कि प्लाज्मा का ग्रुप अगर ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा जल्दी ठीक हो रहा है तो इसका मतलब कि प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव हो रही है। तो ये है आपके, जब आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तब आपको पहले डिसाइड करना होता है आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टडी का कंपोनेंट तो नहीं है लेकिन जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं कोरोना वायरस का एग्जांपल दे रही हूँ, कोरोना का जैसे ये कहा जाता है, डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि अगर कोमॉर्बिडिटी होगी, अगर किसी पेशेंट को कोरोना के अलावा मान लीजिए ब्लड प्रेशर भी है, शुगर की बीमारी भी, डायबिटीज भी है, उसको किडनी का भी कोई वो है या फिर उसको एस्थमा है, तो फिर प्लाज्मा थेरेपी के ठीक से भी ठीक होने के चांसेस उसके कम हो सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स हैं, ये आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। जो उसको और डिजीजेस हैं वो आपके कोरोना ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जब तक आप उनके इफेक्ट को कम नहीं करेंगे तब तक आप प्लाज्मा थेरेपी के इफेक्ट को नहीं देख सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा आपके डे टू डे का एग्जांपल मैं दूंगी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। जब ऑपरेशन किसी का होता है, आप सभी लोग जानते हैं घरों में किसी न किसी का ऑपरेशन हुआ होगा, या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो पहले इन सब बीमारियों का, जो मान लीजिए आपने बोला कि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा डॉक्टर हमें ऑपरेशन टेबल तक नहीं ले जाएगा मरीज को। क्यों ऐसा किया जाता है? कभी कभी ऑपरेशन टल जाता है पेशेंट का क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ, या फिर और भी कोई चीज, कोई बीमारी है वो निकल करके सामने आई, पहले उसका इलाज होगा फिर जिस बीमारी के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास गया उसका इलाज होगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रेनुअस वेरिएबल है, ये आपके ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन आपके ट्रीटमेंट को बहुत इफेक्ट कर सकता है। अगर पेशेंट कोई है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर का की दवा दिए बिना, उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किए बिना उसको डॉक्टर ऑपरेशन टेबल पे ले जाता है, तो हो सकता है कि पेशेंट की या मरीज की तबीयत बहुत खराब हो जाए और उसका इलाज ना हो पाए। इसीलिए इन एक्सट्रेनुअस वेरिएबल के इफेक्ट को कम किया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स को रैंडमली, सिस्टमैटिकली नहीं, रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, तो ये मान के चलते हैं हम कि 50-50 चांसेस होता है कि उसमें जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे वो भी आ जाएंगे और जो लोएस्ट स्कोरर होंगे वो भी आ जाएंगे। तो किसी भी रिसर्च डिजाइन को बनाने के लिए ये प्री कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में लूं तो मैक्सिमाइज सिस्टमैटिक वेरिएंस। सिस्टमैटिक वेरिएंस वो होते हैं जो जिनका हम इफेक्ट देख रहे हैं। अगर हम प्लाज्मा थेरेपी का इफेक्ट देख रहे हैं पेशेंट के ऊपर तो ये हमारा सिस्टमैटिक वेरिएंस है।
या हम अगर पीयर ट्यूटरिंग का इफेक्ट देख रहे हैं मैथमेटिकल एबिलिटी के ऊपर, तो हम ये सिस्टमेटिक वेरिएंस है इफेक्टिवनेस जिसका देख रहे हैं। और कंट्रोल एक्सट्रेनुअस वेरिएबल, मैंने आपको आपके डे टू डे एग्जांपल से समझा दिया कि एक्सट्रेनुअस वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो हमारी स्टडी का रिसर्च का पार्ट तो नहीं है लेकिन रिसर्च में हमारे इफेक्ट बहुत डालते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अभी हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया उस समय जो शोर आ रहा था वो एक्सट्रेनुअस वेरिएंस था, जिसके शोर को अगर कम ना किया गया होता तो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपके आप सुन नहीं सकते थे, और सुन नहीं सकते तो समझ नहीं सकते थे। तो ये पूरा जो लेक्चर है उसका इफेक्टिवनेस को वो कम कर देता है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपके स्टडी में, रिसर्च की डिजाइन में या रिसर्च की स्टडी में इफेक्ट डाल सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और मिनिमाइज एरर वेरिएंस, हमने सारे प्रिकॉशन ले लिए, बहुत अच्छी हमने रिसर्च डिजाइन भी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन ह्यूमन बीइंग है हम, और ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ एरर्स ऐसे हैं जो एरर वेरिएंस हम जिनको कहते हैं, जो रिसर्चर के द्वारा हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी बॉयज में ज्यादा अच्छी होती है और गर्ल्स में कम होती है, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि बॉय है तो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, गर्ल है तो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी पुअर होगी। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो हो सकता है कि मैं अपने इस बायस्ड एटीट्यूड से गवर्न होके अगर कोई लड़का परफॉर्म करता है मैथमेटिक्स में, मान लीजिए उसको 6 नंबर मिल रहा है और गर्ल को 7 नंबर मिल रहा है, तो मैं कभी कभी सिस्टमेटिकली बॉय को भी उसी के बराबर लाके खड़ा कर दूंगी, क्योंकि अदरवाइज हमारा रिजल्ट इफेक्टेड होगा। आप कहते हैं ना, डेटा को मैन्युपुलेट किया गया। मैन्युपुलेशन में हम यही करते हैं, अगर हम डेटा को मैन्युपुलेट करते हैं तो हम एक एरर कमिट कर रहे हैं, हम एक गलती कर रहे हैं, और उस गलती से हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन स्पेशली बनाते हैं तो हमें सिस्टमेटिक वेरिएंस के इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है। एक्सट्रेनुअस वेरिएबल जो हमारी रिसर्च की स्टडी में इफेक्ट डाल रहे हैं उनको कम करना होता है, और एरर वेरिएंस जो हमारे अपने एरर होते हैं, दूसरे हमारे जो हमने क्वेश्चनेयर बनाया है, जो हमने इंटरव्यू शेड्यूल बनाया है, उसमें भी एरर हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, शिक्षकों की अभिवृत्ति, शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड को मेजर कर रहे हैं एजुकेशन के प्रति, लेकिन आपका जो आपने क्वेश्चनर बनाया है वो एटीट्यूड को मेजर ही नहीं कर रहा है, वो सिंपल स्टेटमेंट है। तो अगर आपने इसके एरर को कम नहीं किया तब भी आपके रिजल्ट इफेक्टेड होंगे, आपकी रिसर्च स्टडी एक अच्छी रिसर्च स्टडी नहीं मानी जाएगी। और इसीलिए इसके टेक्निकल टर्म में मैंने यहाँ जो लिखा है मैक्स मिन कॉन, ये एक फॉर्मूला है, मैक्स मिन कॉन, मैक्सिमाइज सिस्टमेटिक वेरिएंस, कंट्रोल मिनिमाइज एरर वेरिएंस एंड कंट्रोल एक्सट्रेनुअस वेरिएंस। किसी भी रिसर्च स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि हम मैक्स मिन कॉन को ध्यान में रखें
और सारे अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो लेके रखें ताकि हमारी रिसर्च स्टडी एरर फ्री हो सके। अब हम एक्चुअल रिसर्च डिजाइन पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से क्या मेरे पास टाइम है? रिसर्च, जी अच्छा ठीक है। रिसर्च डिजाइन, मैं क्वालिटेटिव स्टडी की ओर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर क्वालिटेटिव मेथड भी करूंगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिसर्च डिजाइन को समझाने के लिए 1 घंटा काफी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे घंटों की जरूरत होती है अच्छी तरह से समझाने के लिए। लेकिन क्विकली मैं आपको समझा, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होते हैं, ज्यादातर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब आप कोई सर्वे करते हैं, आप कोई क्वेश्चनेयर बना लेते हैं, आप कोई शेड्यूल बना लेते हैं, उसको जा करके आपका जो सैंपल है उसके ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद आप उसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकाल देते हैं। तो अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो रिसर्च डिजाइन की 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। मैंने आपको बताया एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मैंने काफी आपको बताया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं या बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। और दूसरी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिसर्च स्टडी है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन। एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन क्या होती है? मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का अचीवमेंट देख रहे हैं बच्चों का। आप लोग ज्यादातर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी ही करते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी या अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आपका ये रिसर्च का टॉपिक है। अचीवमेंट टू स्टडी द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, दो चीजें मैं ले लेती हूँ। तो अचीवमेंट आप किससे लेते हैं बच्चों का? आप बच्चों का अचीवमेंट जो उनके टेस्ट के रिजल्ट हैं, एग्जाम के रिजल्ट हैं। जनरली आप ये क्या करते हैं, या तो आप उनको एक अचीवमेंट टेस्ट दे देते हैं या आप उनका जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। बच्चे ने मैथमेटिक्स में उसका आया 80% और सोशल साइंस में उसका आया 60%, तो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी सोशल साइंस से ज्यादा है। फिर आप क्या करते हैं, आप मेल फीमेल का डिफरेंस देख लेते हैं, रूरल अर्बन का डिफरेंस देख लेते हैं। इस तरह से करके आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर देते हैं। इसको जो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और ये आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन है, मतलब वो फिनोमिना जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अचीवमेंट वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप 11th क्लास के बच्चों के का अचीवमेंट स्टडी अगर करते हैं तो आप उनका 10th क्लास का बोर्ड का स्कोर ले लेते हैं। करते हैं कि नहीं? बहुत बार आप लोग ये करते हैं कि 10th का स्कोर ले लिया और उसके बेसिस पे आपने अचीवमेंट किस तरह की जा रही है आगे वो देखा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी में वो फिनोमिना ऑलरेडी हो चुका है और उसको आप बाद में सर्वे करके स्टडी करते हैं। ये हुई एक्स पोस्ट फैक्टो, इवेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। जैसे कोविड के टाइम में बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आजकल बहुत हो रहा है ना, जितने भी वेबिनार हो रहे हैं सब में आप लोग जोड़ देंगे टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम।
एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो ये कोविड ऑलरेडी हो गया, आप अपना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं जिसमें आप कोरोना वायरस का टीका पहले वायरस देंगे और वायरस का क्या इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी करेंगे। वो वायरस ऑलरेडी सिस्टम में आ गया है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उससे लोगों की जाने जा रही हैं, उससे ठीक होने के बाद भी लोगों में बहुत सारे सेकेंडरी सिम्टम्स आ रहे हैं। ये स्टडी जब हम करते हैं तो ये स्टडी हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी है। ये किस तरह की स्टडी है? एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी है। मुझे हिंदी का नाम नहीं पता कि ये इसको हिंदी में किस तरह से बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट कि मेरे सारे टेक्निकल टर्म मेरे इंग्लिश में हैं, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि जिस किसी इवेंट की हम स्टडी करना चाहते हैं, जिस किसी प्रॉब्लम को हम स्टडी करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, या वो अचीवमेंट की अगर हम स्टडी करना चाहे तो वो अचीवमेंट ऑलरेडी बच्चे का हो चुका है। हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि घर के एटमॉस्फेयर की वजह से उसका मैथमेटिक्स एबिलिटी ज्यादा हुई है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की वजह से हुई है, या उसका जेंडर उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, या उसका रूरल अर्बन गांव में और शहर में रहने की जो लोकेशन है वो इफेक्ट डाल रहा है, या कोई और इफेक्ट डाल रहा है। तो सिंपल स्टडी एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, सर्वे कर लेते हैं हम, वो सिंपल सर्वे होता है, या फिर हम दो या तीन वेरिएबल्स को लेकर के उनका उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम ये कहते हैं अगर माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे का बच्चा जो है वो भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, या बच्चे की भी रुचि पढ़ने में होगी, या पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि माता लिटरेट पेरेंट्स के बच्चे भी ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उनका कम होता है, इलिटरेट पेरेंट्स का जहाँ होंगे वह जहाँ फर्स्ट जेनरेशन लर्नर्स होंगे वहाँ ड्रॉप आउट रेट की ज्यादा संभावना होगी। तो ये एक हम सर्वे करके और देख सकते हैं, आपके जैसे आते हैं कि नया सोप चल गया है, अब नए सोप का एक सिंपल सर्वे करते हैं जो मार्केटिंग वाले लोग करते हैं। एजुकेशन में भी हम सिंपल सर्वे करते हैं, जैसे अचीवमेंट का हमने सर्वे कर लिया, गांव में बच्चों का अचीवमेंट किस प्रकार का है, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं, या मिड टर्म मिड डे मील है, मिड डे मील की वजह से बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मिड डे मील की वजह से बच्चे आ तो रहे हैं लेकिन लंच के बाद वो फिर से घर चले जा रहे हैं। तो ये जब हम करते हैं तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव सर्वे कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव सर्वे एक सिंपल सर्वे हो सकता है या कोरिलेशन का नेचर का हो सकता है। अगर हम ये कहें कि मिड डे मील की वजह से बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है तो हम ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मिड डे मील एंड स्कूल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये स्टडी हुई हमारी कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन में हम सिंपल कॉज देखते हैं, जबकि क्राइटेरियन ग्रुप में हमारे पास एक ग्रुप एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हम 11th क्लास के बच्चे की अचीवमेंट की अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम 10th का स्कोर जो होता है, क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम होता है और उसका वाइडर रिकॉग्निशन है, वो सब जगह एक्सेप्टेड है, वो कोई टीचर का अपना बनाया हुआ नहीं है, वो एक बोर्ड ने, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो
चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया होता है बोर्ड एग्जाम। तो अगर हम बच्चे का बोर्ड का एग्जाम का स्कोर देखते हैं और फिर उसका 11th क्लास में परफॉर्मेंस देखते हैं और ये पाते हैं कि बच्चे का 11th क्लास का परफॉर्मेंस उसके पिछले परफॉर्मेंस से इम्प्रूव किया है, तो हम एक क्राइटेरिया जो हमारा 10th का एग्जाम का रिजल्ट है, दैट इज अ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट हम बच्चे का अचीवमेंट देखते हैं। तो ये क्राइटेरियन ग्रुप होता है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, आप क्राइटेरियन ग्रुप स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हर कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बना लेता है, प्री टेस्ट किया, पोस्ट टेस्ट किया और एक दोनों का टी टेस्ट लगा दिया, डिफरेंस देख लिया और हो गई रिसर्च, लेकिन वो एक्चुअल रिसर्च नहीं होती, वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी नहीं होता। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी तीन तरह की डिजाइन्स होती हैं, एक प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, एक कोसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है और एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। इन तीनों ही तरह के डिजाइन में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस उस कंट्रोल पे होता है, हम कितना डिजाइन को कंट्रोल करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कितना हम कंट्रोल कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वेरिएंस को हम कितना मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएंस को हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं और एरर वेरिएंस को हम कितना मिनिमाइज कर रहे हैं, ये मैक्स मिन कौन का क्या कॉम्बिनेशन है, उसके बेसिस पे आपकी जो रिसर्च डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वो तीन कैटेगरीज में हो जाती है, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये मैंने ऑलरेडी ये स्लाइड पीछे कवर कर दी है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज नहीं वो होगा। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत सारी डिजाइन आती हैं, जैसे आप कोई केस स्टडी करते हैं, जो सिंपल केस स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम वन शॉट केस स्टडी बोलते हैं। एक बच्चा ले लिया, एक स्कूल ले लिया, एक जगह का डेटा ले लिया, अपने केस स्टडी अप्रोच को एडॉप्ट करके अपनी स्टडी कर दी, ये सिंपल ग्रुप सिंपल स्टडी होती है, इसीलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं कहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम रिग्रस कंट्रोल की बातें करते हैं, रिग्रस डिजाइन की बातें करते हैं। तो हमारा डिजाइन होता है, ये जो हमारा रिसर्च डिजाइन है, ये बहुत मेटिकुलसली हमको बनाना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, वेयर एज एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन में हमारा डिजाइन तो होता है लेकिन हमारे कंट्रोल उतने नहीं होते हैं। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होता है वो साइंटिफिक उसमें होता है, साइंस में होता है, ज्यादातर ट्रू एक्सपेरिमेंट साइंस में होता है, जिसमें मैचिंग की बहुत जरूरत होती है। ह्यूमन बींग के साथ जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम मैचिंग किस बात पे करेंगे, दो जैसे मान लीजिए हमने 5 बच्चे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे और 5 बच्चे कंट्रोल ग्रुप में रखे, तो उन 5 जो 10 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा होना चाहिए, उनके माता पिता की एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए, उनका इंटेलिजेंस एक जैसा होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी होनी चाहिए, उनका क्लासरूम में अचीवमेंट भी एक जैसा होना चाहिए। अगर हम थ्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अपनी बना रहे हैं तभी हम जो वेरिएबल है, मान लीजिए मैं एक मेथड इनोवेटिव मेथड से बच्चे को साइंस पढ़ा रही हूँ, तो उस इनोवेटिव मेथड का इफेक्ट मैं तभी देख पाऊंगी जब मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं,
एक ग्रुप को मैंने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया और दूसरे ग्रुप को मैंने वो जो इनोवेटिव मेथड है उसके थ्रू पढ़ाया। लेकिन अगर मैंने ग्रुप का सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ग्रुप में ठीक तरह से नहीं किया है, तो हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल ग्रुप के बच्चे हों उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हो, उनके घर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो उनको, उन सब का इफेक्ट उनके अचीवमेंट पे पड़ेगा। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि अदर टू जो दो हमने क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात कर रहे हैं उसमें उतना रिगरस कंट्रोल नहीं होता है। यही इन तीनों के बीच में डिफरेंस है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को ज्यादातर इसीलिए इसको प्री एक्सपेरिमेंटल कहा गया है क्योंकि ये इसको ट्रू एक्सपेरिमेंट हम मानते भी नहीं है। अब आ जाइए हम जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल में ज्यादातर जो आप लोग बोलते हो कि मेरी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है रिसर्च की, वो ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होती है, आपकी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है जिसमें आप एक ही ग्रुप लेते हैं, उस ग्रुप का आप पहले प्री टेस्ट करते हैं, उसके बाद कोई उसको ट्रीटमेंट देते हैं। मान लीजिए आप इनोवेटिव टीचिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, आपने पहले बच्चे का टेस्ट ले लिया, उसका अचीवमेंट देख लिया, उसके बाद आपने अपना मेथड यूज किया और उस मेथड से आपने उसे पढ़ाया और उसके बाद पोस्ट टेस्ट कर लिया और पोस्ट टेस्ट से आपको ये रिजल्ट अपना इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि आपके मेथड की वजह से इफेक्टिव, आपका मेथड जो है इनोवेटिव मेथड वो इफेक्टिव है और अचीवमेंट को इम्प्रूव कर रहा है। जबकि इन रियलिटी देयर मे बी मेनी वेरिएबल्स जिनको आपने कोई कंट्रोल नहीं किया है। तो इसको स्टैटिक ग्रुप में इसको छोड़ रही हूँ, जो आप इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आ जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंस कंट्रोल ग्रुप। हम एक कंट्रोल ग्रुप तो रखते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैचिंग नहीं करते। नाम के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक क्लास आपने लिया और दो भागों में डिवाइड कर दिया, 50 स्टूडेंट्स को 25 25 करके आपने ऐसे ही डिवाइड कर दिया। आपने उनकी एज नहीं ध्यान दी, आपने उनकी एबिलिटी को ध्यान नहीं दिया, आपने उनको इंटेलिजेंस पे मैच नहीं किया, आपने उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा, आपने उनका पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर नहीं देखा, इन सब को ना देख करके आपने ग्रुप्स बना दिए, तो वो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप हो गए। माने वो इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के, और जब इक्विवेलेंट नहीं है और उसमें आपने कंट्रोल ग्रुप एक बना लिया तो वो तो आपने गलत यहीं पे कर दिया है। ये तो आपकी रिसर्च डिजाइन में ही एक फ्लॉ रह गया है, तो वो आपकी रिसर्च जो है उसके रिजल्ट आपके वैलिड नहीं होंगे, आपके रिजल्ट रिलायबल और वैलिडिटी उनकी क्वेश्चनेबल है, आप उसको लार्जर पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। टाइम सीरीज जो होती है वो हम एक ही लॉन्गिट्यूडनल जब स्टडी करते हैं एक ही ग्रुप में, हम कई टाइम्स में एक ही उसको स्टडी को करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारी टाइम सीरीज स्टडी है। काउंटर बैलेंस मैं फिर से छोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम आ जाते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होती है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होती है, लेकिन जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं या जो साइंस साइंटिफिक
डिस्कवरी इसमें लगे होते हैं, उसमें जब हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं और जो साइकोलॉजी की स्टडी या एजुकेशन की भी अगर ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आप कर रहे हैं, तो आपको सारे एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें ग्रुप को पहले प्री टेस्ट किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मैं एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं क्रिटिकल पेडागोजी के थ्रू पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो वो क्रिटिकल पेडागोजी मेरी ट्रीटमेंट है। वो क्रिटिकल पेडागोजी या जो इनोवेटिव तरीका, वो मेरा ट्रीटमेंट है। और इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने कहा, जिसका इफेक्ट देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा इनोवेटिव पेडागोजी, अगर मैं ले रही हूँ इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग में ले रही हूँ, तो वो इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या ट्रीटमेंट वेरिएबल है। और जो कंट्रोल ग्रुप, फिर मैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिवाइड करूंगी ग्रुप को, ट्रीटमेंट दूंगी और उसके बाद पोस्ट टेस्ट करूंगी। मैं फिर से लेमैन लैंग्वेज अगर यूज करूं, आपको फिर से कोरोना वायरस की ओर लेकर के चलती हूं। जब प्लाज्मा थेरेपी कैसे इन्वेंट की गई, पहले कोरोना वायरस के पेशेंट का पेशेंट आया, फिर ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, अगर उनका प्लाज्मा लेकर के इन पेशेंट्स को दे दिया जाए, तो उनमें एंटीबॉडीज अपने आप उनके शरीर में डेवलप होने लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट उनको दिया गया और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी पेशेंट्स में बढ़ गई है और पेशेंट जल्दी ठीक हो गए हैं। लेकिन जब पहले किया गया, सबसे पहले कैसे किया गया होगा, कैसे ये पता चला कि आपने प्री टेस्ट मतलब प्लाज्मा थेरेपी इफेक्ट कर रही है, उस समय तो कोई प्री टेस्ट नहीं दिया आपने, प्री टेस्ट आपके पास केवल कोरोना के मरीज हैं, आपने प्लाज्मा थेरेपी खाली दी और उसी पेशेंट का पोस्ट टेस्ट किया। तो ये है पोस्ट टेस्ट ओनली। उसमें यहाँ पे पहले टेस्ट किया जाता है, जैसे अचीवमेंट का टेस्ट पहले हो गया, फिर उसको मैंने एक नया टेस्ट बनाया है, मैंने बच्चे को वो टेस्ट दिया और फिर से उनका पोस्ट टेस्ट लिया, और फिर जो अचीवमेंट टेस्ट पहले लिया था और पोस्ट टेस्ट लिया, दोनों का कंपैरिजन किया और देखा कि पोस्ट टेस्ट से कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं क्लास में जाऊं और मैं एक नए तरीके से पढ़ाने लगूं और उसके बाद मैंने पोस्ट टेस्ट कर लिया उनका और मैंने ये पाया कि इनका अचीवमेंट बच्चे ज्यादा अच्छे तरह से सीख पा रहे हैं। तो ये मैंने कोई प्री टेस्ट नहीं किया, केवल पोस्ट टेस्ट किया। कभी कभी हम चार ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन इसको है, ये डिजाइन्स कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। मैंने और भी बहुत सारी डिजाइन्स बनाई हैं, लेकिन उन डिजाइन्स की मैं चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगी, क्योंकि ग्रुप आपका जो है वो मिक्स ग्रुप है, उसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे केवल इतना करूंगी और उसके बाद मैं I'll just, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में
क्या स्टेजेस होते हैं ये आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप अगर अपनी बनाते हैं ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। पहली चीज जैसा कि मैंने कहा कि दो ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट में हम दो या मोर ग्रुप्स हो सकते हैं और भी ज्यादा ग्रुप्स हो सकते हैं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगी जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगी। मैंने फोर ग्रुप डिजाइन की भी बात की है उधर, उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपका मिक्स ग्रुप है उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत होगी। तो दो ग्रुप्स बनाने हैं, दोनों ही ग्रुप मैच होने चाहिए, कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंट ग्रुप, इनको हर वेरिएबल पे मैच करना बहुत जरूरी है अगर आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रिलायबल और वैलिड आप चाहते हैं। फिर आप प्री टेस्ट करिए, फिर कौन से वेरिएबल आपको कंट्रोल करने हैं, जो एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करना है या उनको डिलीट कर देना है। जैसे हम कहते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया आज किया और 6 महीने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, 6 महीने में बच्चे का एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक एक्सट्रेनुअस वेरिएबल है, इसको कंट्रोल हम इस तरह से करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो मैच्योरेशन है ये चूंकि सारे बच्चों में मैच्योरेशन की प्रोसेस हो रही है तो ये सेल्फ कंट्रोल्ड हो गया होगा, क्योंकि एज को तो हम रोक नहीं सकते हैं, एज के साथ बच्चे का एक्सपीरियंस जो बढ़ रहा है उसको भी हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिसर्च करते हैं, हम डेड पर्संस के या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं। तो इनको हम कौन से ऐसे हमारे वेरिएबल हैं जिनको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, जिनको हमें डिलीट करने की जरूरत है, या बाहर से शोर आ रहा है तो उस शोर को खत्म करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंटल के लिए हमें रूम की जरूरत है, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की जरूरत है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को तो हम जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, उस मेथड ऑफ टीचिंग का इफेक्ट देखना है तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और कंट्रोल ग्रुप क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप में हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते रहेंगे और फिर हम पोस्ट टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम टी टेस्ट भी कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी इनके रिजल्ट पे कर सकते हैं, और जो हमारी फाइंडिंग होंगी वो हमें बताएंगी कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो डेटा एनालिसिस के बेसिस पे हम अपना रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे वेरिएबल का इफेक्ट है या कोई एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स का इफेक्ट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है, और क्या रिलेशनशिप है हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। बोलने को तो मेरे पास और भी बहुत है लेकिन मुझे लगता है मुझे स्टॉप करना चाहिए, तो मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि आगे जा मेरे पास बहुत सारी चीजें थी लेकिन वो मैं उसको नहीं हो करके, एंड आई विल जस्ट थैंक, आई होप कि आप लोगों को मैंने जितना सिंपल हो सका सिंपल करना चाहा क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक है और टाइम चाहिए इसके लिए, तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूं। बहुत 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 धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर, क्योंकि सभी विषय के लोग हैं केवल एजुकेशन के नहीं है, लेकिन सबको समाहित करते हुए आपने रिसर्च डिजाइन के ऊपर अपना व्याख्यान रखा, काफी फ्रूटफुल रहा। अब हम छात्रों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास कोई समस्या हो इस पॉइंट्स पर, जितने पॉइंट्स आए हैं जैसे कि वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल
एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। इसी तरह रिसर्च डिजाइन में एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इन सब में जितना भी आप व्याख्यान सुने हैं उसमें जो डाउट हो उसके बारे में आप प्रश्न रखिए, अपना माइक अनम्यूट करिए और बारी बारी से क्वेश्चन रखिए। ये जो मैम के द्वारा और पॉइंट का प्रेजेंटेशन किया गया है इसको हम फिर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे, आप अपना प्रश्न रखिए। यस जी हाँ जी, नाम नाम विषय का नाम बताते हुए अपना प्रश्न रखिए। हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए, आप प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए, मैं राजकुमार ज्योग्राफी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए राजकुमार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ सर, जब डिजाइन कर सकते कितने प्रकार से उसको डिजाइन कर सकते हैं इस चीज का। हेलो हाँ बोलिए सर, रिसर्च जो होता है, रिसर्च डिजाइन जो होती है, जो रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम सर कितने टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। रिसर्च को आप कितने टाइप से, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है। यस सर, फिर तो लगता है कि आपने सुना ही नहीं, मैंने आपको बताया मेरा पूरा तो रिसर्च डिजाइन के ऊपर ही था। ये देखिए, आपकी ये रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन बेसिकली दो तरह की होती है, एक आप सर्वे करते हैं जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो जैसा जहां है वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप अपने रिसर्च करके आप उसके बारे में पता करना चाहते हैं। आप अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यस सर, यस मैम, आपका रिसर्च का टॉपिक मुझे बताएंगे तो मैं उसका एग्जांपल दे करके आपको बता सकती हूँ। सर मेरा मैम रिसर्च का टॉपिक है लखीमपुर के बाढ़ क्षेत्र और उनका निदान। लखीमपुर के बाढ़ क्षेत्र और उनका निदान। उनका निदान किस चीज का निदान करेंगे आप? मैम जो बाढ़ आ रही है, जो फ्लड एरिया। अच्छा, बाढ़ क्षेत्र, मैंने बाढ़ चाइल्ड समझ लिया, बाढ़ क्षेत्र, फ्लड एरिया। मैम बाढ़ क्षेत्र, फ्लड एरिया,